हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल, वेटनरी फील्ड सर्जन एंड पेट कंसल्टेंट, और डॉक्टर राहुल पेट केयर सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली हमने स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए थे, तो उसमें हमें काफ़ी लोगों ने क्यूरी डाली थी कि सर हमें स्ट्रीट डॉग्स में जो फूड का डाइट प्लान होता है उसके बारे में बताइए, और डाइट प्लान काफ़ी इकोनॉमिक होना चाहिए, कम से कम पैसे में बनना चाहिए। तो हम आपको आज जो डाइट प्लान बताने वाले हैं, ये नियर अबाउट आपको 6 to 7 rupees में पड़ने वाला है, और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड आपके स्ट्रीट डॉग के लिए होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बन रहे हमारे साथ लास्ट तक, और हाँ, अगर चैनल को नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले, और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो होता आप मिस ना कर पाए इसलिए। तो फ्रेंड देखिए, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, काफ़ी लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं, हमारे कैंपेन होते हैं, हमारे घर के आजू बाजू भी होते हैं, कुछ एनजीओ वाले लोग जो होते हैं काफ़ी मॉब में भी डॉग्स को जाके स्पेशली जहाँ डॉग्स रहते हैं वहाँ खाना खिला के आते हैं। तो हमें ऐसा फूड चाहिए कि जो फूड में डॉग को कुछ प्रॉब्लम ना हो। जनरली बहुत सारे लोग होटल का वेस्ट वगैरह, घर का वेस्ट वगैरह जो रहता है वह डॉग को डलवाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। डॉग की जो लाइफ है आप थ्रेटन करवा रहे हो, इससे डॉग को बहुत सारी बीमारी हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर लॉन्ग लास्टिंग उनके लाइफ टाइम के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले हमें डॉग के जो भी डाइट बनाते हैं उसमें क्या रहना चाहिए, ठीक है, आपके घर में आज वो स्ट्रे डॉग है उसमें क्या देना चाहिए ये हम बताएंगे। तो जनरली एक थंब रूल फॉर्मूला ध्यान में रखिए, यहाँ पर आपको नियर अबाउट 60% पार्ट जो होता है वो आपको एनर्जी का रखना है, और 40% पार्ट आपको यहाँ पर प्रोटीन का रखना है। तो हमें सबसे सस्ता जो होता है राइस होता है, राइस की आप कनी ले सकते हो, इस तरह से दलिया भी आता है जो काफ़ी सस्ता होता है, आप वो ले सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको उसमें दाल डलवानी है, तो इसमें क्या करना है, आप उसमें मूंग की दाल डलवा सकते हो, मसूर की दाल डलवा सकते हो, तो मटके की दाल डलवा सकते हो, तूर की दाल डलवा सकते हो, चने की दाल यहाँ पर प्लीज़ अवॉइड कीजिए, इसमें डॉग को थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर पेट में गैस पकड़ने की, ब्लॉट होने की यहाँ पर चांसेस रहते हैं। तो 60-40 पार्ट दाल और राइस का अगर कम्बिनेशन करवाते हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। साथ में आपके रूटीनली जो भी वेजिटेबल आपको जो भी अवेलेबल है, जैसे आपको पम्पकिन अवेलेबल है पम्पकिन डाल सकते हो उसमें, उसके बाद कैरेट्स आप यूज़ कर सकते हो, आप उसमें बीन यूज़ कर सकते हो, आप स्पेनेज यूज कर सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको फ्लावर थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइड करना है, ठीक है, कैबेज होता है वो आपको अवॉइड करना है, या फिर कैलीफ्लावर जो होता है वहाँ पर अवॉइड करना है, क्योंकि इससे डॉग के पेट में गैस होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। उसके बाद यहाँ पर गेहूँ आपको अवॉइड करना है, और मक्का जो होता है, मक्का का दलिया और गेहूँ का दलिया आपको बिल्कुल नहीं देना है, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स डॉग में यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, तो आपको गेहूँ और मक्का यहाँ पर डॉग को नहीं देना। हाई स्टार्च होता है तो स्किन के पोरोडर्माइटिस की प्रॉब्लम, पैर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ईयर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, आपको ये अवॉइड करना है। उसके बाद एग्स जो है, एग्स भी ये जनरली स्ट्रीट डॉग्स को मत दीजिए, क्योंकि एग्स भी हम ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड नहीं कर सकते, इट में क्रिएट गैसेस इन डॉग्स, तो आपको वहाँ पर एग्स वहाँ पर अवॉइड करना है। लेकिन यहाँ पर कैल्शियम सोर्स के लिए एग्स के जो शेल होते हैं वहाँ पर ट्राइचोट करवा लीजिए, उसको एक तो आप गर्म पैन में पूरा गर्म करके स्टरलाइज करवा लीजिए, या फिर आप धूप में दिन भर रखिए, तो उसके बाद उसको बारीक करवा के पाउडर बना के आप डॉग के फूड में डाल सकते हो, डॉग बड़े चाव से खाते हैं, उसके कैल्शियम जो रिक्वायरमेंट होती है ये भी कम हो जाती है। अगर आप नॉनवेज अगर प्रोवाइड करते हो तो ये तो वेरी वेल एंड बेस्ट गुड डाइट होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जब नॉनवेज आप बनाते हो तो इसमें आप राइस लेना है आपको 70% पार्ट, और 30% पार्ट आपको चिकन लेना है इसमें। तो चिकन में इसमें मल्टी विटामिन्स होते हैं, उसके बाद उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी तरह हो जाती है, और स्पेशली चिकन आप जब भी इसमें डलवाते हो तो विथ स्किन डालना है, तो फैट जो होता है इसमें, स्किन में फैट होता है, तो फैट की रिक्वायरमेंट जो डॉग की होती है पूरी हो जाती है, और स्किन के जो भी इशू है इसमें डॉग को बिल्कुल नहीं आते, और स्किन जो है डॉग की बिल्कुल टैक्टाइल रहती है, तो आपको ये यहाँ पर करवाना है। और जनरली रूटीनली देखिए, आप जब भी फूड बनाते हो तो फूड में आप थोड़ा सा कैल्शियम सप्लीमेंट रूटीनली जो भी आपको मिलता है वहाँ पर क्या अवेलेबल आपके पास वर्क कराइए, और एक मल्टीविटामिन की टैबलेट आप जरूर उसमें डालने की वहाँ पर कोशिश कीजिए। जैसे आपका फ्रेंड्स पता है डॉग ऑलरेडी कार्निवोरस है, तो इनको हम अगर चिकन या फिर मटन अगर देते हैं तो बॉडी में जैसे ही जाता है तो ये 100% उनके एब्जॉर्ब हो जाता है, और उनके एब्जॉर्बन रेट जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो वेज डाइट से बेटर जो होता है वो नॉनवेज डाइट होता है, फिर भी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए आप अगर वेज डाइट यूज़ करते हो तो आप कॉटन चीज़ रहता है, जैसा पनीर जो कहते हैं पनीर ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टली मैटर जाता है। तो हमें यहाँ पर इकोनॉमिक डाइट करना है डॉग के लिए, तो इस तरह से जो भी डाइट बताए आपको यहाँ फॉलोअप कर सकते हो। दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों ने पूछा था कि सर हम पार्ले जी डॉग्स को खिला सकते हैं क्या, ठीक है, रूटीनली छोटे अगर बच्चे हैं तो आपको पार्ले जी हम खिला सकते हो, लेकिन पार्ले जी से बेटर जो रहता है मारी गोल्ड रहता है, तो उसका फ्लोर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, तब बेटर है पार्ले जी से अच्छा मारी गोल्ड के बिस्किट अगर खिलाते हो तो उसमें डॉग को डाइजेशन की ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा था कि सर स्ट्रीट डॉग को हम डायरेक्ट यहाँ पर
टच कर सकते हैं। देखिए जनरली आप स्ट्रीट डॉग को खिलाते इट्स अ गुड एंड वेल्थी, बट ध्यान में रखिए स्ट्रीट डॉग जो है वैक्सीनेटेड नहीं रहते, उसमें रैबीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और बहुत सारे जो 30-40% डिसीजेज जो है हमें डॉग से हमें होती है, हमारे से डॉग में होती है एंड वी डोंट हैव द हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन। सो आप जब भी कोई स्ट्रीट डॉग को टच करने जा रहे हो तो देखिए वो काफ़ी अच्छा हेल्दी रहना चाहिए, उसे कोई डिसीज नहीं होनी चाहिए, उसकी जो सलाइवेशन है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अच्छा अगर डॉग है आपको लग रहा है तो वो वहाँ पर अप्रोच हुई है। सो फ्रेंड जब भी आप किसी डॉक्टर पर अप्रोच हो रहे हो तो ध्यान में रखिए कि स्किन की उसको कोई इन्फेक्शन नहीं रहनी चाहिए और उसका रैबिस का वैक्सीन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे एनजीओज है जो रूटीनली स्ट्रे डॉग के वैक्सीनेशन करवाते हो तो आप उनको कॉल करके आपके डॉग्स को यहाँ पर जो भी स्ट्रे डॉग्स है वहाँ पर आप रूटीनली एनुअली वैक्सीनेशन वहाँ पर करवा सकते हो। सो फ्रेंड ये वीडियो आपका कैसे लगे इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो स्पेशल स्ट्रीट डॉग की कुछ इश्यूज है कुछ प्रॉब्लम है तो हमें इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ चैनल्स को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले। सो फ्रेंड स्टे ट्यून्ड फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऑनलाइन कंसल्टेंट शुरू करते थे, अगर आपके डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही तो हमें नीचे दिए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप करने के बाद हमें यहाँ पे वीडियो भेजिए फोटो भेजिए, उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से कंसल्टेशन कॉल बुक होने के बाद आपको इस तरह QR कोड आएगा तो ये QR कोड स्कैन करके आपके हमारे यहाँ पर छोटी सी कंसल्टेशन फीस आपको वहाँ पर पेड करानी, उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हमारे फेस टू फेस इंटरेक्शन में होगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप सॉल्व कर देंगे और इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे और डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजने के बाद ये मेडिसिन यूज करने के बाद आपके डॉग की जो भी रिकवरी ये बहुत ही फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपकी छोटी मोटी कोई कुछ प्रॉब्लम है तो हमें यहाँ पर मैसेज कीजिए, हम इसको आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स अगर चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो और ऑनलाइन कंसल्टेशन नीचे दिए नंबर पर जरूर टाइप कीजिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।